रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। पहले जा, फिर जाने जा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप लोग, उम्मीद आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है इक्कू, आप देख रहे हैं मिस्टर इक्कू ब्लॉग्स और मैं बिलोंग करता हूँ पलामू के छोटे शहर पाटन से। तो गाइज अभी का सीन कुछ ऐसा है कि आपको पता है पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम थे अभी सासाराम में, जो कि बिहार में पड़ता है। और सासाराम में आप लोगों को ये दिखा चुके थे शेरशाह सूरी का मकबरा। अब आपको हम लेके जाने वाले हैं हसन शाह सूरी यानी सैयद शाह सूरी के पिताजी का मकबरा, वहाँ दिखाने लेके जाने वाले हैं। तो ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ब्लॉग में बने रहे एंड तक। मिलते हैं गाइस वीडियो के आगे। सो हे गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं हसन शाह सूरी के मकबरे के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार की है। और ये रहा आपका मेन गेट, यहाँ से चलते हैं अंदर। अब आपको दिखाते हैं पूरा ब्लॉग। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। पहले जा, फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। गाइस हम लोग फाइनली एंटर कर चुके हैं हसन शाह सूरी के मकबरे के अंदर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ का व्यू, यहाँ का नज़ारा। और गाइज यहाँ आने के बाद कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, ग्राउंड जैसा बना दिया गया है। यहाँ से घुसने के चार दरवाजे हैं, एक पीछे से, एक वहाँ से, और एक इधर से, और एक इसके पीछे से भी। चार दरवाजे इसके हैं घुसने के अंदर आने का, और चार दरवाजों में से हम ये दरवाज़ा से आए हैं अंदर। और देख सकते हैं सेम चीज़, वही डिज़ाइन, वही अष्टगोनीय डिज़ाइन इसका ऑक्टागोनल। और आप देख सकते हैं इसके चार दरवाजे हैं और कोने पर चार मीनार है, इस टाइप का चार मीनार है कोने पे। और ये फील्ड जैसा बना दिया गया है जहाँ पे लोग यहाँ के निजी निवासी लोग यहाँ पे आते हैं और सुबह सुबह यहाँ पे घूमते टहलते हैं। गाइज अभी हम फाइनल हैं हसन शाह सूरी के मकबरे के ग्राउंड में। आप पीछे, मेरे पीछे हसन शाह सूरी का मकबरा देख सकते हैं, और जैसा सेम डिज़ाइन, जैसा शेर शाह सूरी का मकबरे के डिज़ाइन था, वैसा ही सेम डिज़ाइन इस मकबरे का भी है। और यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं किस टाइप का बना दिया गया है। और ये जो मकबरा है गाइज, ये शेर शाह सूरी मकबरे से आधा से एक किलोमीटर की दूरी पर है। और आप ये देख सकते हैं ऐसे ऐसे चार मीनार बनाए गए हैं चारों कोनों पे। इसके अंदर लेके चलते हैं, हम आ चुके हैं गाइस उस मीनार के अंदर। और यह मीनार के अंदर कुछ इस प्रकार का दृश्य है, आप देख सकते हैं। इस मीनार के अंदर कुछ खास चीज़ है नहीं, सिर्फ ये मीनार ही था और इसके अंदर एक रूम जैसा बना दिया गया था। ये है मीनार। और इसके इधर पास में, बगल में ये देखिएगा, ये बाउंड्री वाला, ये एक मस्जिद है यहाँ के पास में ही। और ये है मेरे पीछे शेर शाह सूरी का पिता का हसन शाह सूरी के मकबरा। सो गाइस जैसा डिज़ाइन, जैसा मकबरे का डिज़ाइन हमें शेर शाह सूरी के मकबरे में मिला था, सेम वही डिज़ाइन यहाँ पे उनके पिताजी का मकबरा हसन शाह सूरी के मकबरे का सेम डिज़ाइन है, ऑक्टागोनल अष्टकोणीय, आप जैसा कि देख सकते हैं वीडियो में। और यहाँ पे गाइस इसके बगल में एक मस्जिद है जो यहाँ पे बनाई गई है। और इसके चारों अतराफ में चार दरवाजे हैं, मुख्यतः इनके चार दरवाजे हैं। और चारों दरवाजों में से किसी एक दरवाजे से भी आप अंदर आ सकते हैं, सारे दरवाजे खुले हुए हैं। और इसके बाद देखिए इस साइड का कुछ बना दिया गया है जिसके थ्रू आप यहां से बाहर निकल सकते हैं। फिलहाल वो गेट अभी बंद है। और ये रहा पूरा कैंपस का एक व्यू जो कि आप हमारे साथ मिलकर वीडियो में देख सकते हैं। चलिए अब इस मकबरे का थोड़ा सा अंदर लेके चलते हैं और अंदर आपको थोड़ा डिज़ाइन दिखाते हैं कि एक बार ये मकबरा अंदर कैसा है।
उनके कब्र के पास जाने का एक रास्ता था, दरवाज़ा था, जो कि अभी बंद कर दिया गया है। आप यहाँ से कुछ तस्वीर देख सकते हैं, अंदर का कुछ दृश्य इस प्रकार का है। मेन दरवाजे के पास देखिए किस टाइप का डिजाइन किया गया है दीवारों के अंदर। तो गाइस यहाँ पे मुख्यतः जो ये तीन दरवाजे हैं जिनके जिनके सामने का जो मेन दरवाजा है कब्र के अंदर जाने का, ये आप देखिए ये भी बंद पड़ा है। तो गाइस अभी हम इस मीनार के ऊपर आ चुके हैं। ये जो मीनार है यहाँ से नीचे से सीढ़ी दिया गया था, इसके थ्रू हम ऊपर आ गए। ये देखिए सीढ़ी, और इसके थ्रू हम ऊपर चढ़ गए हैं। ऊपर से देखिए यहाँ का व्यूज किस प्रकार का आ रहा है, पूरा पूरा कैंपस का नज़ारा यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, और साथ में यह मकबरा भी दिखाई दे रहा होगा। अब चलिए हम चलते हैं इसके नीचे, और आपको जो मकबरे के अंदर का जो डिज़ाइन था वो उससे आपको रूबरू करवाए हैं। अब चलिए हम आपको इसके बारे में जो कुछ हमको पता है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सो हे गाइस, आप मेरे पीछे ये हसन शाह सूरी का मकबरा देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको दिखाएं किस टाइप का अभी है, और उसके अंदर जो कब्र है उसमें बहुत सारे कब्र है, जिसमें एक हसन शाह सूरी का भी कब्र है, जो कि अभी फिलहाल के लिए उसका गेट का पे ताला लगा हुआ है, अंदर जाने का परमिशन अभी है ही नहीं। तो गाइस जितना आपको बाहर से हुआ उतना दिखाएं। अब चलिए इस मकबरे के बारे में थोड़ी सी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हसन शाह सूरी की मृत्यु 1520 ईस्वी में हो गई थी। हसन शाह सूरी की जो मृत्यु थी वो 1520 ईस्वी में हो गई थी। मृत्यु के कुछ दिन बाद यहाँ पे एक छोटी सी कब्र हुआ करती थी हसन शाह सूरी की। बट जब ये जो बिहार जो सासाराम बिहार का जो ये शेरशाह का जब यहाँ पे राज चला, तो उस समय उन्होंने ये जो मकबरे का निर्माण करवाना शुरू कर दिया, और उसके बाद 1530 ईस्वी के बाद ये मकबरा बनने के लिए पूरा तैयार हो गया था। और उसके बाद गाइज मकबरे की जो शुरुआत थी वो बताया जाता है कि 1535 के समय ये मकबरा बनकर रेडी हो गया था। अकॉर्डिंग टू मतलब मेरे हिसाब से जहाँ तक हमको जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक ये जो मकबरा है ये 1535 के समय बनकर रेडी हो गया था, जो कि आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार का मकबरा है। और गाइज यहाँ पे आपको बता दें कि इसके जो ये है क्या कहते हैं, ये जो उनके बेटे थे शेर शाह सूरी के जो बेटे थे सलीम शाह सूरी, उनको जब उनका जब ये आया था राजगद्दी पर, वो तीन दिन के लिए ही बैठे थे, उसके बाद उनको मार दिया गया था। और गाइज यहाँ पे भी जल के अंदर, यानी जैसे शेर शाह सूरी का मकबरा है जल के अंदर जल के बीचों बीच, वैसे ही यहाँ भी बनाया जाने वाला था। बट जैसे ही जब यहाँ पे हुआ उनका शासनकाल चला, तो उसी टाइम शेर शाह सूरी ने अपने मकबरे को भी बनवाना स्टार्ट कर दिया था, और इस मकबरे का भी निर्माण करवाना स्टार्ट हो गई थी। दोनों मकबरे को बनाया गया था, लेकिन जब इसके बीचों बीच जब ये तालाब की बात आई, उस टाइम सलीम शाह सूरी जब राजगद्दी पर तीन दिन के लिए बैठे थे, उसके बाद उनको मार दिया गया, जिसके वजह से आज यहाँ पे पूरा सूखा पड़ा है, और लोग इसे यहाँ के जो निजी निवासी लोग हैं, लोग इसे आज सूखा रोजा भी कहते हैं। आपको ये सूखा रोजा देख सकते हैं, ये जो रोजा है इसको सूखा रोजा के भी नाम से जाना जाता है। गाइस यही था हसन शाह सूरी का सूखा रोजा के कुछ दास्तां, जो कि हम आपको सुनाए और आपको लाकर दिखाए भी कि अब वो सूखा रोजा किस प्रकार का है, कितना वीरान है, क्या है, सारा कुछ आप लोग को वीडियो में बताएं। अगर गाइस वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और गाइज, एक वीडियो के लिए बहुत दूर दूर तक आना पड़ता है। आप लोगों को सबको पता है कि हम पाटन के निवासी हैं, पलामू के निवासी हैं, और ये बिहार में इतना दूर आकर उसके बाद आप लोगों को ये जानकारी देना, वीडियो डालना, अपलोड करना, बताना, तो गाइज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो गाइज आप लोग बस इसके लिए एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता है कि नहीं, लोगों को मेरे वीडियो में इंटरेस्ट है, मेरा वीडियो लोग देख रहे हैं, तो अब हमको भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको अच्छे अच्छे जगह दिखाएं, उनको घुमाएं और वहां से रूबरू करवाएं। तो गाइज उम्मीद है आपको वीडियो में थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्टिंग वीडियो लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।